हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भक्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी चंदपुरीदुर्ग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिकल बजट। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल बजट, कैसे हम उसको प्रिपरेशन करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं उसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस कैसे करते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। उसके बाद यह लास्ट टॉपिक है जो कि ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो डी फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके लिए फार्मास्यूटिकल बजट। बजट क्या होता है? बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायोरिटी ऑफ द डिफाइन पीरियड ऑफ द टाइम विच इंक्लूड्स द पॉलिसी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड अंडर द डिफरेंट हैंड्स। मतलब जो बजट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी लाने के लिए या फिर चलाने के लिए फिर स्टेबलाइज करने के लिए एक सिस्टमेटिक बजट का प्लान किया जाता है। जैसे हमारे भारत में ईयरली बजट पेश होता है, लेकिन वो पब्लिक के लिए होता है। यह जो बजट प्रिपरेशन रहेगा अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा फार्मास्यूटिकल बजट, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहेगा, या फिर होलसेल रिटेलर के लिए भी हम अपना फाइनेंशियल बजट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बजट वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान तैयार करते हैं, जो कि प्लान के मुताबिक जो हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स है उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सके, जिससे हमें किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाने में कम कॉस्ट पड़े और उसका प्रॉफिट अधिक से अधिक हम अर्न कर सके और वेस्टेज ऑफ मटेरियल को डिक्रीज कर सके। तो बजट में फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग क्या है? फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग इज द एडवर्टाइज देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मा स्टेटमेंट। सेकंड में इज द प्रिपरेशन ऑफ द कास्ट कैश बजट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मा ऑफ द स्टेटमेंट, इन विच हम सबसे पहले इसको दो पार्ट में, जो परफॉर्मा स्टेटमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो जो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है इसमें क्या होता है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपेयर इज टू हैव अ फेयर एंड रीजनेबल एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब जो हम इनकम है उसका प्रिपरेशन हम ऐसा करेंगे, जो प्रोजेक्टेड बिजनेस फॉर्म फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमें जैसे बनाना है, तो जैसे हमें 1 लाख कैपिटल बनाने हैं, 1 लाख कैपिटल बनाने हैं, तो ये हम सबसे पहले प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट देखेंगे कि हमारे पास 1 लाख कैपिटल बनाने के लिए एस्टीमेट बनाएंगे, जिससे उससे मुताबिक हमारे पास पैसा है कि नहीं है। अगर पैसा है तो रॉ मटेरियल कितने का आएगा, रॉ मटेरियल के बाद इन प्रोसेस चार्जेस कितना लगेगा, एम्प्लॉय को कितना देना पड़ेगा, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल में लास्ट रिटेलर तक पहुंचने में कितना हमें कास्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना कास्ट आएगा, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्टेड इनकम है उसके बारे में स्टेटमेंट हम निकालेंगे। प्रोजेक्ट बनाएंगे 1 लाख टिकट बनाने का, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट बैलेंस शीट इज फॉर कॉस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड फंड फॉलो एंड ईच आइटम इज द बैलेंस शीट हैज टू मेंशन एंड फॉरकास्ट द अक्रॉडिंग। जो बैलेंस शीट है मतलब हमारे पास कितना पुराना बैलेंस भेजा हुआ है, 1 लाख का बैलेंस बनाना है, लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट भी
सेटिस्फैक्ट्री बैलेंस करके चलना है ताकि जो बैलेंस शीट है उसमें का जो अमाउंट है उसको हम इसमें इंक्लूड कर सके, हमारे पास कितना गरज बचा है और हमारा प्रोजेक्ट कितना है, यह दोनों आ जाएगा पोर्टफोलियो ऑफ द स्टेटमेंट, जिससे हम हमारे आने वाले बनाने वाले टेबलेट से बजट की तैयारी कर सकते हैं इसके बेस पे प्रिपरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट क्लोजर। प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट क्लोजर जो हमें बनाने में कितना पैसा लगेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग द कॉस्ट बजट इज टू फाइंड आउट द इनफ्लो एंड द कैश आउटफ्लो ओवर द पीरियड विच द विंड लोकेशन द टाइमिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैश सरप्लस एंड द स्टोरेज। मतलब इसमें हमारे पास कितना मटेरियल स्टोरेज है, स्टोरेज करने के लिए जगह है उसमें कितना स्टोरेज है और जो सरप्लस है उसके बारे में भी हम इसमें मेंशन करेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है वो केस बजट का प्रिपरेशन करेंगे, इसमें जो इनफ्लो है इनफ्लो ऑफ द मनी एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी उसको इंडिकेट करेंगे पर्टिकुलरली। उसके बाद यह जो होता है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है प्रिपरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस स्टेटमेंट टू वे पे अवेलेबल होता है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट बजट जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इसके में अवेलेबल होता है। अब हम यहां पे देखते हैं क्योंकि बजट की बात हो रही है तो कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना जरूरी है। आगे हम देखते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज द बैंक विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड ग्रेटिंग द लोन एंड एडवांस। द कमर्शियल बैंक अलाउ विदड्रॉल ऑफ द मनी बाय द चेक बाय सम अदर मींस। मतलब कमर्शियल बैंक थोड़ा होता है जहां पे हम पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सिंपल भाषा में देखा जाए तो पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कैश को पब्लिक के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू डिपॉजिट करना और या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन देना या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना जस्ट लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो यह कमर्शियल बैंक जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बजट बनाएंगे और उसके लिए हम फाइनेंस करने के लिए जाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? कमर्शियल बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो कमर्शियल बैंक जो सपोर्ट करेगा बाय द एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट बिहाफ ऑफ देयर लोन एंड इट्स आल्सो गिव द लोन एडवांस बिहाफ ऑफ देयर सिक्योरिटीज जस्ट लाइक बॉन्ड बॉन्ड पेपर एंड अदर असेट्स, है ना। तो कमर्शियल बैंक में पैसों का आदान प्रदान होता है कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करने के लिए या फिर स्टेबलाइज करने के लिए हमें कमर्शियल बैंक की जरूरत होती है। द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं। पहला डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। फंक्शन क्या है जैसे कि मैंने अभी बताया कमर्शियल बैंक का यह काम होता है कि वो डिपॉजिट करता है मनी को कहां से? पब्लिक से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से जमा करता है ना। उसके बाद लेंडिंग ऑफ द मनी मतलब वो लोन को लेंडिंग करता है, अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करता है या फिर लेंड करता है किसी पब्लिक को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। लोन एंड एडवांस, जो लोन और एडवांस के रूप में इसको दिया जाता है फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन को दिया जाता है या एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। दूसरा है कैश क्रेडिट। बैंक जो है वो कैश क्रेडिट भी देता है, एक पर्सन को देता है ना, इसके बिहाफ में आप सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी रख सकते हैं जैसे बॉन्ड सा है गुड सा है उसको वह उसके बिहाफ में जो क्रेडिट कैश प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को।
उसके बाद ओवर ड्राफ्ट देते हैं, ओवर ड्राफ्ट जो है वो करेंट अकाउंट में जाता है ना, ओवर ड्राफ्ट जो है पर्टिकुलर करेंट अकाउंट में जाता है, बहुत ही कम समय के लिए जाता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है, वह अधिकतर करेंट अकाउंट ही यूज करते हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद दूसरा फंक्शन देते हैं डिस्काउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर बिल लेके अकाउंट बैंक अकाउंट में जाता है, अकाउंटेंट के पास जाता है, तो बिल के बिहाफ में उसको मनी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बिल लेके जाएगा तो बैंक उसको मनी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद चौथा देते हैं एजेंसी टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब एक एजेंसी के रूप में जो कमर्शियल बैंक है वहां काम करेगा। जैसे एजेंसी हमारे लिए क्या करती है, जैसे कलेक्शन ऑफ द चेक एंड बिल्स, जो कलेक्शन करने का काम रहता है बैंक के द्वारा, एक पर्टिकुलर पर्सन हायर किया जाता है, वह पर्टिकुलरली लिस्ट पकड़ के जितना भी चेक रहता है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर अदर कंपनीज है जहाँ पे उसका क्रेडिट ड्यू है या उसको लोन दिया है, तो वहां से वह कलेक्ट करता है चेक और बिल्स। उसके बाद दूसरा देखते हैं एजेंसी टाइप ऑफ फंक्शन में इंश्योरेंस एंड डोनेशन एंड टैक्सेस, यह जो बैंक है कमर्शियल बैंक इंश्योरेंस एज इंश्योरेंस का भी काम करता है, मतलब हमारा जो इंश्योरेंस किसी भी कंपनी का जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस किसके थ्रू जाएगा पर्टिकुलरली, यह एक बैंक के थ्रू इंश्योर्ड हो जाएगा और वह इंश्योरेंस कंपनी को बैंक के थ्रू एक बार चला जाएगा। डोनेशन अगर कहीं पर डोनेशन करना है तो भी बैंक सपोर्ट करेगा। टैक्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी बिल्डअप करने के लिए जो टैक्स लगता है ना, तो उसको जो टैक्स लगता है वो अगर डायरेक्ट टैक्स जो है वो बैंक के थ्रू चला जाता है। बैंक जो है एज अ सेलर और एज अ बायर के भी काम करता है, क्योंकि बैंक इज आल्सो सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स सिल्वर एंड बॉन्ड्स, सो डेफिनेटली इट विल बी एंड इट इज एजेंसी लाइक फंक्शन एंड द कमर्शियल बैंक ट्रांसफर द फंड्स। बैंक जो है अगर हमें कहीं पे फॉरेन चले गए, फॉरेन में बिजनेस डालना है या फिर किसी अदर स्टेट में बिजनेस डालना है, वहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डालना है या फिर होलसेलर डालना है या फिर रिटेलर डालना है, तो जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी पैसे की वहां पे भी वह पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो कमर्शियल बैंक इज द बैंक व्हिच इज अ ट्रांसफर फ्रॉम फंड फ्रॉम द वन ब्रांच टू अदर ब्रांच और वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो द कमर्शियल बैंक प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अवर फार्मास्यूटिकल कंपनी टू फॉर्मेशन ऑफ अवर बजट एंड सपोर्ट ऑफ अवर बजट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल लुक द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द फार्मास्यूटिकल बजट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बजट के लिए हमने फार्मास्यूटिकल बजट पढ़ लिया, उसके बाद कमर्शियल बैंक जो हमें सपोर्ट करने वाली उसके पढ़ लिए, अब उसका सोर्स पढ़ते हैं कि कैसे हमें किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कहाँ से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले यह पार्ट्स में डिवाइड है, अगर हम सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या भी इंडस्ट्रीज डालते हैं तो दो तरीके से हमें बजट के लिए सोर्स प्राप्त होता है। एक फंड कैपिटल जिसको एक इंटरनल सोर्स कहा जा सकता है, जो हमारा खुद का कैपिटल होगा है ना, खुद का कैपिटल होगा तो हम उसमें अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हमारे खुद का होगा, इसमें हमारे पुराने एसेट्स हो सकते हैं और बैंक बैलेंस हो सकते हैं। लोन कैपिटल है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से पता चलता है कि हम बाहर से मनी का मतलब सोर्स लेंगे जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल बजट में मदद करेगा। यह क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, यह जो शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है कम समय के लिए होता है,
मीडियम जो है मिडिल होता है 4-5 साल के होता है, और जो लॉन्ग टर्म्स होता है ये लंबे समय के लिए होता है। तो अलग अलग टर्म्स के हिसाब से अलग अलग उसमें इंटरेस्ट लगता है। अब हम देखते हैं सोर्स क्या क्या है, मतलब कौन से जो बैंक है, बैंक तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा बैंक है जो पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है या फिर एडवांस प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक जो लोन देता है तो इसी से बना है आईडीबीआई बैंक। लेकिन यहाँ सेविंग अकाउंट बैंक भी काम कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इसका मेन वर्क है इंडस्ट्री लोन को डेवलपमेंट या फिर एडवांसमेंट देना। दूसरा है आईसीआई बैंक, यह जो स्टेबलाइज हुआ 1955 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह भी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देगा और उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया इज IFCI बैंक, दैट इज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज द स्टेबलाइज 1948। अब ये जो है वो फाइनेंस करता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के इक्विपमेंट एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स के लिए, एंड एज वेल एज इट इज ऑल्सो फाइनेंस टू द अवर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। सो दिस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द फार्मास्यूटिकल बिजनेस वन एंड इंटरनल, फर्स्ट सेकेंड इज लोन एंड एक्सटर्नल। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस आपको लगता है जो समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट इन कमेंट में।